दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम घोषित कर दी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला मैच 2 सितंबर को होने वाला है और आपको बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा कप्तानी करने वाले हैं। लेकिन भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी से सलाह ली है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन से खिलाड़ियों को खिलाया जाए और कौन से खिलाड़ियों को बाहर किया जाए ताकि आसानी से जीत सके। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम सेलेक्ट करेंगे तो भारतीय टीम को पाकिस्तान टीम कभी नहीं हरा पाएगी। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, खबर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं 31 अगस्त से एशिया कप शुरू होने वाला है और 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला मैच होने वाला है। आप तो जानते होंगे भारत और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो बहुत ही तकरार का मैच होता है, क्योंकि भारतीय टीम किसी भी टीम से हारना मंजूर करती है, लेकिन खासकर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी हालत में हारना नहीं चाहेगी। वहीं भाई पाकिस्तान की टीम का भी सेम सिस्टम है, पाकिस्तान की टीम भी भारतीय टीम से किसी भी हालत में हारना नहीं चाहती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं एशिया कप 50-50 ओवर का होने वाला है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने एशिया कप में ओडीआई मुकाबले में 13 मैच खेले हैं, जिसमें से भारतीय टीम ने 7 मैचों पर जीत हासिल की है, वहीं पाकिस्तान टीम ने 5 मैचों में जीत हासिल की है। तो एशिया कप में जब भी मैच हुआ है तो भारत का पलटा भारी रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय टीम में कप्तान रोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी से सलाह ली है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन से खिलाड़ियों को मौका दिया जाए और कौन से खिलाड़ियों को बाहर बिठा दिया जाए। आप लोग तो जानते होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे तो महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में बहुत सारे मैच जिताए हैं, और महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे छात्र कप्तान है जो हारे हुए मैच को अपनी कप्तानी से जीतना जानते थे। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को बहुत सारा कप जिताया है, चाहे वह 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो या फिर 2011 का ODI वर्ल्ड कप हो। तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम का नाम हमेशा ऊंचा रखा है, और साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जिनके नाम सुनते ही पाकिस्तान टीम वालों के पसीने छूट जाएंगे, और महेंद्र सिंह धोनी ने निकम्मे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी हालत में हमें मैच हारना नहीं चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान की टीम भी अभी बहुत ही मजबूत नजर आ रही है, चाहे वो ओपनिंग बैटिंग की बात करे, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे भारतीय गेंदबाजों को, दोनों ही बल्लेबाजों को जल्दी आउट करना पड़ेगा, तभी भारतीय टीम जीत सकती है। पाकिस्तान टीम की गेंदबाजी की बात करें तो शाहीन अफरीदी, हरीश रौफ, नासिम शाह बहुत ही खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं और इन दिनों बहुत ही अच्छा प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं। मगर आपको बता दें कि भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जसप्रीत बुमराह कुछ महीनों से चोटिल चल रहे थे, जिसके कारण भारतीय टीम में बुमराह कोई भी खेल में हिस्सा नहीं थे। हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम में लौट चुके हैं। आप लोग तो जानते होंगे कि इस बार भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें बहुत ही मजबूत नजर आ रही है और काफी टक्कर का मुकाबला होने वाला है। तो आइए जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम में कौन से भूखे शेरों को शामिल किया है। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के बहुत ही बड़े फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही बाबर आजम और विराट कोहली में सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो दिल से धन्यवाद। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन से भूखे शेरों को भारतीय टीम में शामिल किया है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कौन से निकम्मे खिलाड़ी को भारतीय टीम से निकाल दिया है। वहीं पहले नंबर की बात करें तो यशस्वी जायसवाल का नाम निकल कर आता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यशस्वी जायसवाल ही बहुत खतरनाक बैटिंग करते हैं, और 2023 के IPL सीजन में यशस्वी जायसवाल ने अपने से बहुत ही ज्यादा रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें टेस्ट मैच में भी खेलने का मौका मिला था, और T20 मैचों में भी उन्होंने अपना खेल दिखाया। दोनों ही फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन ऐसे में यशस्वी जायसवाल को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यशस्वी जायसवाल एक नए खिलाड़ी है और उन्होंने अभी तक ODI मैच नहीं खेला है। और दूसरे नंबर की बात करें तो शिखर धवन को बाहर कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिखर धवन भी बहुत ही खतरनाक बैटिंग करते हैं, लेकिन शिखर धवन की कुछ गलतियां आपको दिखाते हैं जिसकी वजह से उनको टीम से बाहर कर दिया है। दोस्तों सब लोग जानते हैं कि शिखर धवन काफी बेहतरीन खिलाड़ी है, मगर वो कुछ दिनों से फ्लॉप साबित हो रहे हैं, जिसके कारण विराट कोहली ने शिखर धवन को टीम में शामिल नहीं किया गया है। वहीं तीसरे नंबर की बात करें तो गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टीम से निकाल दिया गया है। आप लोग जानते होंगे भुवनेश्वर कुमार कितने खतरनाक बॉलर है, उनके पास बहुत ही ज्यादा स्विंग है और उनको स्विंग का किंग भी कहा जाता है। उनकी बॉलिंग के सामने खेलना कोई भी बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से भुवनेश्वर कुमार खराब प्रदर्शन से जूझ रहे हैं, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार को शामिल नहीं किया गया है। वहीं नंबर 4 पर अजिंक्य रहाणे को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अजिंक्य रहाणे भी बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है, मगर ODI फॉर्मेट में इनका अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा है, जिसके कारण इनको टीम में नहीं लिया गया है। तो ये थे वो खिलाड़ी जिनको भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। तो आइए जानते हैं विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ कौन से 11 खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बाबर आजम और विराट कोहली में से कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये जानते हैं कौन से 11 चेहरे को भारतीय टीम में जगह मिली है। जहाँ ओपनिंग पारी में बात करें पहले और दूसरे नंबर के बल्लेबाजों के बारे में, तो पहले नंबर पर रोहित शर्मा का नाम निकल कर सामने आता है, जो कि कप्तानी के साथ साथ अपने बल्लेबाजी में भी शत प्रतिशत देने की कोशिश करेंगे। वहीं रोहित शर्मा विस्फोटक बल्लेबाज है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ये बात आप लोग सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा क्रीज पर टिक जाते हैं तो रनों की बरसात कर देते हैं। और आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से रोहित शर्मा खराब प्रदर्शन से जूझ रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा अब वापसी कर चुके हैं। और रोहित शर्मा का ODI करियर की बात करें तो 244 मैच खेले हैं, जिसमें 9837 रन बनाए, जिसमें 30 शतक शामिल है और 48 अर्धशतक भी ठोके हैं। और उनके सबसे ज्यादा रन की बात
दूसरे दोनों ने एक मैच में 264 रन बनाए थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा कितने एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। तो पहले नंबर पर वहीं रोहित शर्मा को लिया गया है। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को शामिल किया है। आप लोग तो जानते होंगे कि शुभमन गिल इन दिनों इतने अच्छे प्रदर्शन में आ रहे हैं, चाहे टेस्ट हो या T20 हो या ODI फॉर्मेट हो, सभी में अच्छे रन बनाते आ रहे हैं, जिसके कारण शुभमन गिल को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वहीं शुभमन गिल के ODI करियर की बात करें तो शुभमन गिल ने अभी तक 27 मैच खेले हैं, जिसमें से 1437 रन बनाए हैं। और आपको बता दें कि शुभमन गिल ने इसमें से 4 शतक भी लगाए हैं, साथ ही 6 अर्धशतक शामिल है। और उनकी बेस्ट पारी की बात करें तो 208 रन बनाए हैं, जो कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। और शुभमन गिल अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। तो भारतीय टीम के कोच और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली ने दूसरे नंबर पर शुभमन गिल को खेलने का मौका दिया है। वहीं तीसरे नंबर की बात करें तो खुद विराट कोहली दिखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं विराट कोहली बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी है जो हर मैच में रन बना सकते हैं। और आपको बता दें कि अभी भारतीय टीम में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी वही है, क्योंकि विराट कोहली ने ODI फॉर्मेट में 275 मैच खेले है, जिसमें 12,898 रन बनाए है और जिसमें 46 शतक शामिल है। और अर्धशतक की बात करें तो 65 शामिल है। और विराट कोहली के बेस्ट पारी की बात करें तो 183 रन है। विराट कोहली अभी तक भी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय टीम के जो फैंस है विराट कोहली पर बहुत ही ज्यादा भरोसा रख रहे हैं। विराट कोहली बड़ी पारी खेलेंगे, इसकी सभी को उम्मीद है। क्या विराट कोहली अपना जलवा दिखा पाते, तो आइए देखते हैं। वहीं चौथे नंबर की बात करते हैं तो KL राहुल को शामिल किया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं KL राहुल कुछ महीनों से चोटिल चल रहे थे, जिसके कारण KL राहुल भारतीय टीम में कोई भी खेल में हिस्सा नहीं लिए हुए। लेकिन KL राहुल अभी पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं KL राहुल के पास भी बहुत ही लाजवाब बैटिंग है। वो अगर ग्राउंड में टिक जाते हैं, रनों की बरसात कर देते हैं, उनके पास वो काबिलियत है, वो बड़ी पारी खेलना जानते हैं। और KL राहुल के ODI करियर की बात करें तो अभी तक KL राहुल ने 54 ODI मैच खेले हैं, जिसमें से 1986 रन बनाए हैं और 5 शतक शामिल है। वहीं उनके बेस्ट की बात करें तो 112 रन है। खासकर KL राहुल ODI फॉर्मेट में काफी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। KL राहुल एक ऐसे बैट्समैन है जो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। अगर भारतीय टीम के विकेट गिर जाए तो मैच को संभालना भी जानते हैं। वहीं अगर भारतीय टीम को रनों की जरूरत होती है तो अपने बल्ले से छक्के चौकों से आग उगलना भी जानते हैं। विराट कोहली ने चौथे नंबर पर KL राहुल को रखा गया है। वहीं पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पर संजू सैमसन को लिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं संजू सैमसन के पास भी बहुत ही खतरनाक बैटिंग है। संजू सैमसन अपने ले पर आ जाए तो रनों की बरसात कर देते हैं, उनके पास भी वो काबिलियत है, वो बड़े चोट लगाने जानते हैं। वहीं संजू सैमसन के ODI करियर की बात करें तो संजू सैमसन ने कुल 13 मैच खेले हैं, जिसमें से 390 रन शामिल है। लेकिन संजू सैमसन के नाम एक भी शतक नहीं है, लेकिन इन पारियों में 3 अर्धशतक भी ठोके हैं। वहीं उनकी बेस्ट पारी की बात करें तो 86 रन है। वहीं पांच नंबर पर संजू सैमसन को मौका मिला है, इसी के चलते संजू सैमसन को पहले मैच में अपना प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। और अगर संजू सैमसन पहले मैच में फ्लॉप साबित होते तो उन्हें आगे के मैचों में बाहर बिठा दिया जा सकता है। वहीं छठे नंबर की बात करें तो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका दिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हार्दिक पांड्या बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर है। वो खतरनाक बैटिंग के साथ साथ खतरनाक बॉलिंग भी करते हैं। हार्दिक पांड्या के ODI करियर की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने अभी तक 77 मैच खेले हैं, जिनमें 1616 रन बनाए हैं। उनके नाम एक भी शतक नहीं है, लेकिन 13 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं उनके बेस्ट की बात करें तो 87 रन बनाए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हार्दिक पांड्या ने ODI करियर में 73 विकेट चुटकाए हैं। तो छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या की जगह फिक्स हो चुकी है। इसी के साथ सातवें नंबर की बात करें तो ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया है। आप लोग जानते होंगे कि रविंद्र जडेजा कितने खतरनाक ऑलराउंडर है। वो अपने बल्ले से रन नहीं तो गेंद से विकेट जरूर चटकाते हैं। वो अगर बैटिंग में टिक जाते हैं तो विरोधी टीम के नाक पर दम करके रख देते हैं। खतरनाक बॉलिंग से विकेट निकालना जानते हैं। रविंद्र जडेजा के ODI करियर की बात करें तो अभी तक 177 मैच खेले हैं, जिसमें 2560 रन बनाए हैं। इसमें से आपको बताते कि रविंद्र जडेजा ने एक भी शतक नहीं लगाया है, लेकिन उनके नाम 13 अर्धशतक है। और उनके बेस्ट की बात करें तो 86 रन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जडेजा एक स्पिन बॉलर है और ODI करियर में उन्होंने 194 विकेट चटका चुके हैं। तो आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रविंद्र जडेजा कितने खतरनाक बैट्समैन और बॉलर है, इसीलिए टीम में उनका रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं इनके बाद कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया है, जो कि पाकिस्तान की टीम के खिलाफ एक कोहिनूर का हीरा निकलकर सामने आने वाला है। दोस्तों आपको पता होगा कि कुलदीप यादव काफी बेहतरीन खिलाड़ी है, जिन्होंने ODI करियर में 84 मैच खेले और 141 और उनके बेस्ट की बात करें तो 25 रन पर उन्होंने 6 विकेट भी लिए है। और कुलदीप यादव का ODI करियर में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। वहीं इनके बाद 9वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह का नाम निकलकर सामने आया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जसप्रीत बुमराह कुछ महीनों से चोटिल चल रहे थे, जिसके कारण उन्होंने IPL में भी हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन बुमराह अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने सीरीज जीतकर यह साबित कर दिया कि बुमराह अभी तक लोगों को गुमराह करने में सक्षम है, जो कि अपनी यॉर्कर और डेथ बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। बुमराह एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जो भारत की जड़ को मजबूत बनाने का काम करता है, जो कि डेथ के ओवरों में बैक टू बैक विकेट निकाल कर देते हैं। बुमराह का कोई जवाब नहीं, उनके बारे में जितनी तारीफ करे उतना ही कम पड़ता है। वहीं इनके बाद मोहम्मद सिराज का नाम आता है। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज भी पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो कि कभी बैट्समैन को टिकने भी नहीं देते हैं। जी हां दोस्तों, 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज को लिया गया है। मोहम्मद सिराज भी काफी बेहतरीन गेंदबाज है और अगर अपनी पर उतर आते हैं तो अच्छे अच्छे बैट्समैनों के कच्चे फाड़ देते हैं। वहीं इनके साथ मोहम्मद शमी भी दिखने वाले हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की जोड़ी हर किसी बैट्समैन
बैट्समैन के लिए भारी पड़ जाती है। और फिर मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी के साथ बुमराह और कुलदीप यादव जैसे ऑलराउंडर मिल जाए तो मिनटों में गेम पलट देते हैं। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले एशिया कप के लिए भारत की सबसे मजबूत टीम। वहीं दोस्तों मुझे अभी तक इसमें अभी तक महेंद्र सिंह धोनी की कमी महसूस हो रही है। और आपको किस खिलाड़ी की कमी महसूस हो रही है इस टीम में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर माही के दिल से फैन हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, काफी मेहनत लगती है भाई। जय हिंद जय भारत।